हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रियंका चौधरी। सो अगर आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं बट यू आर कंफ्यूज कि हम कैसे शुरुआत करें, सो आई एम गोना हेल्प यू विद दैट। आपको सबसे पहले ये समझना है कि हम जो भी बोलते हैं, अभी भी मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं ये सब चीज़ें कैसे बोल रही हूँ, मैं सेंटेंसेस के थ्रू बोल रही हूँ, मीन्स मैं वाक्य बना रही हूँ, वाक्यों के थ्रू मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। ऑलराइट, सिमिलरली हमें कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए हमें उस लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्म करना आना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, सेंटेंस फॉर्म करें कैसे, हमें तो उस लैंग्वेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, राइट? तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है। सबसे पहले हमें करना यह है, कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है वर्ड्स की, वर्ड पावर होनी चाहिए हमारे पास। हमें ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे कि मैं बोलूँ बोलना, बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें ये पता होना चाहिए, देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, सुनने को क्या बोलते हैं, चलने को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम जो एक्चुअल में बोलना चाहते हैं उसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हमारे पास वर्ड पावर होनी चाहिए। फिर जब हमारे पास वर्ड पावर होगी, हम ये समझ जाएंगे कि मैं के लिए आई बोला जाता है, यू के लिए, तुम के लिए यू बोला जाता है, हम के लिए वी बोला जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों की जब हमें नॉलेज हो जाएगी वर्ड्स की, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि अब हमारे पास वर्ड नॉलेज हो गई है, अब हम इसे सेंटेंस में कैसे फ्रेम करें। सो सेंटेंस फॉर्मेशन से पहले हमारे पास वर्ड नॉलेज होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई मैं आपके लिए ये वर्ड्स लेके आई हूँ। तो आज के सेशन में हम सिर्फ यही वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, और दूसरी वीडियोस में मैं आपके साथ और भी वर्ड शेयर करूंगी। चलिए आज देखते हैं आज के डेट में, आज की क्लास में हमारे लिए क्या क्या वर्ड्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वर्ड है, यहाँ पे वर्ब्स लिखा है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं, काम जो भी हम करते हैं। तो आप वहां पे बोर्ड पे जो भी वर्ड्स देखेंगे वो सारी क्रियाएं ही हैं, वर्ब्स हैं। ओके, जो भी हम काम करते हैं वो चीजें मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से, जो कि है गेटअप। गेटअप मीन्स होता है उठना। कैसे यूज कर सकते हैं इसको, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज वॉक। वॉक नहीं, एल इज साइलेंट, वॉक। वॉक मीन्स होता है चलना। तो अगर आप बोलना चाहते हैं आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा वॉक के लिए जाती हूँ मॉर्निंग में। ओके, चलने जाते हैं। नेक्स्ट थिंक। अब आपको पता चला कि सोचने के लिए हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है थिंक, तो हम इसको यूज कैसे करें। आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर अ लॉट, मैं अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचती हूँ। नेक्स्ट वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। सॉल्व। नेक्स्ट डू। डू मीन्स होता है करना। आप बोलना चाहते हैं आई डू माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम टाइम पे करती हूँ। सॉल्व। नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीक, बोलना, से, कहना, टेल, बताना। जिस तरीके से आप हिंदी में इन वर्ड्स को यूज करते हैं जिन सिचुएशंस में, उन्हीं सेम सिचुएशंस में आपको इनको भी यूज करना है। आप बोलना चाहते हैं स्पीक, तो कैसे बोलेंगे, आई ऑलवेज स्पीक इन हिंदी विद माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो आप ऐसे स्पीक यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको से पे कुछ बोलना है तो कैसे बोलेंगे। आप बोलना चाहते हैं आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो मैं आपने से बोला। नेक्स्ट आपने कहा आप टेल को यूज करना चाहते हैं जिसका मतलब है बताना। अब बताने को आप कैसे यूज कर रहे हैं, आपने सेंटेंस सोचा, आप सोच रहे हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। करेक्ट। नेक्स्ट आई होप आपको ये तीनों चीजों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। जो आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, तो आप इसे कैसे यूज करेंगे, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ओके, लिसन टू माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की बात सुनो। तो इस तरीके से आप लिसन वर्ड को यूज कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। आप बोलना चाहते हैं मैं रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो आप बोलेंगे आई रीड
न्यूज़पेपर एवरी डे इन द मॉर्निंग, तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। मेक श्योर आपको याद रहे, रीड मीन्स पढ़ना एंड टीच मीन्स पढ़ाना या फिर सिखाना भी बोल सकते हैं। तो आप बोलना चाहते हैं आई टीच इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाती हूँ या सिखाती हूँ, इट्स ऑलमोस्ट सेम। ओके, या आप बोलना चाहते हैं कि वो मुझे ड्राइविंग सिखाती है, सो शी टीचेस मी हाउ टू ड्राइव अ कार एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट आप बोलना चाहते हैं याद करना, कुछ वर्ड यूज करना चाहते हैं आप अपने सेंटेंस में, या आप बोलना चाहते हैं सीखना, तो कैसे यूज करेंगे आप इस वर्ड को, लर्न को। तो अगर मैं सोच रही हूँ मुझे ये बोलना है, मैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स याद कर लेती हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई समटाइम्स लर्न इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, मैं अपने जो इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं वो मैं याद कर लेती हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। या आपको बोलना है सीखना, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहती हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। अब आपको इसको यूज करना है इंग्लिश सेंटेंस बनाने में, सिंग वर्ड को, तो कैसे करेंगे, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाती हूँ। दैट्स इट। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है कि इन वर्ड्स को कैसे यूज किया जाएगा सेंटेंसेस में। नेक्स्ट इज रिसाइट। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, सिंग इज गाना एंड रिसाइट इज सुनाना एंड लिसन इज सुनना, डिफरेंस है सब चीजों में। ओके, सुनाने को रिसाइट बोला जाता है। अब इस रिसाइट को मैं यूज कैसे करूँ इंग्लिश में, तो आपको बोलना है कि मुझे एक पोएम सुनाओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रिसाइट मी अ पोएम, ठीक है। या आपको बोलना है मुझे थ्री की टेबल सुनाओ, तो आप बोलोगे रिसाइट मी द टेबल ऑफ थ्री और रिसाइट मी थ्री टेबल। तो इस तरीके से आप रिसाइट वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फेंकना। अब आपको फेंकने के लिए पता चल गया कि फेंकने के लिए एक वर्ड होता है, उसे यूज करते हैं, और वो वर्ड है थ्रो। तो आप उसे कैसे यूज करेंगे, आपको जस्ट बोलना है कि कूड़े को डस्टबिन में डाल दो, तो थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, सो इजी। नेक्स्ट रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना, एंड रिमेम्बर मीन्स होता है याद रखना, सो यू प्लीज ऑल्सो रिमेम्बर द डिफरेंस इन दीज टू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। सो रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, आप इसको यूज कैसे करें, ठीक है। आप बोलना चाहते हैं कि मैं हमेशा अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे का के बारे में याद दिलाती हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई ऑलवेज रिमाइंड माई फ्रेंड माई बर्थडे, आई ऑलवेज रिमाइंड माई फ्रेंड अबाउट माई बर्थडे, दैट्स इट। नेक्स्ट आपको बोलना है रिमेम्बर। अब आपको बोलना है याद रखना, तो आप कैसे बोलेंगे इसको, कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, आप बोलना चाहते हैं मैं अपने पेरेंट्स का बर्थडे हमेशा याद रखती हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, आई ऑलवेज रिमेम्बर माई पेरेंट्स बर्थडे, दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, खरीदना, बाय। तो आप अगर बोलना चाहते हैं कि मैं ज्यादातर चीजें मॉल से खरीदती हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई बाय मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम मॉल, दैट्स ऑल। इस तरीके से आप, या फिर शोरूम, लेट्स से आप बोलना चाहते हैं कि मैं ज्यादातर चीजें शोरूम से लेती हूँ, सो आई बाय मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम शोरूम, दैट्स इट। नेक्स्ट आप बोलना चाहते हैं बेचना वर्ड को आप यूज करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो इसे आप, इसके लिए वर्ड होता है सेल, कैसे यूज करेंगे, हाँ आप बोलना चाहते हैं कि तुम मुझे कुछ नहीं बेच सकते हो, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, यू कांट सेल मी एनीथिंग, कैसे बोलेंगे, यू कैन नॉट सेल मी एनीथिंग, तुम मुझे कुछ नहीं बेच सकते हो, सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्क। इसको इंग्लिश में यूज कैसे करें, एस्क मीन्स पूछना। आप अगर सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू एस्क यू समथिंग, चाहती हूँ, रिमेम्बर दैट वॉन्ट, चाहना, सो आई वॉन्ट टू एस्क यू समथिंग, दैट्स ऑल। तो आपने नोटिस किया होगा मैं ज्यादातर सारे सेंटेंसेस जो आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ वो आई के दे रही हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, नेक्स्ट इज बोरो। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, एंड लेंड मीन्स होता है उधार देना। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं ज्यादातर पैसे अपनी फ्रेंड से उधार लेती हूँ,
सो आई ऑफन बोरो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, ये आप बोलना चाहते हैं उधार देना. सो आई ऑलवेज लेंड मनी टू द नीडी पीपल, मैं हमेशा पैसे उधार देती हूँ जरूरतमंद लोगों को. ओके, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, नीडी पीपल, जरूरतमंद लोग. नेक्स्ट नो का मतलब होता है जानना या फिर पता होना. आप बोलना चाहते हैं समटाइम्स व्हाट हैपेंस, लोग आपसे पूछते हैं कि तुम्हें वहां का एड्रेस पता है, तो आप कैसे बोलेंगे? यस आई नो. नहीं, अगर आप बोलना चाहते हैं नहीं मुझे नहीं पता है, नो आई डोंट नो. तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ या हाँ मुझे पता है, यस आई नो, नो आई डोंट नो. इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं इंग्लिश में. नेक्स्ट इज लेना. लेने को इंग्लिश में बोलते हैं हम टेक, कुछ लेना. ओके, तो आप सेंटेंस सोच रहे हैं दिमाग में, आपको बोलना है कि मेडिसिन, दवाइयां ले लो, तो आपको कैसे बोलना है? टेक मेडिसिन. आप बोलना चाहते हैं दवाइयां टाइम पर लो, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, सो इजी. आप बोलना चाहते हैं मैं दवाइयां टाइम पे लेती हूँ, आई ऑलवेज टेक माई मेडिसिन ऑन टाइम. इस तरीके से आप टेक पे सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट इज देना. लेना तो हमने सीख लिया, अब देने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? द वर्ड इज गिव, देना. अब आप हिंदी में कोई सेंटेंस सोच रहे हैं, आपने सोचा मुझे बोलना है कि मैं हमेशा अपनी फ्रेंड को उसके बर्थडे पे गिफ्ट देती हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ऑलवेज गिव अ प्लेजेंट सरप्राइज और अ प्लेजेंट गिफ्ट टू माई फ्रेंड ऑन हर बर्थडे. I always give a pleasant surprise or a gift to my friend on her birthday. And that's all. Let's make sentence on this word, leave. I will be on leave tomorrow. मैं कल छुट्टी पे रहूंगी. Next, I am leaving now. मैं अभी जा रही हूँ. और अगर आप बोलना चाहते हैं छोड़ दो इसको, leave it. इस matter को छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो, leave the matter. तो इस तरीके से भी आप इसको use कर सकते हैं. Now I believe आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए हैं, और इनको यूज कैसे करना है आपको वो भी समझ आ गया है. Now it's your turn to practice all these words. अब आप ये सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कीजिए और हर एक वर्ड पे एटलीस्ट एक सेंटेंस बनाने की जरूर कोशिश कीजिए. जब तक आप ये सब ट्राई नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगा समझ. वर्ड्स को यूज करके आप खुद सेंटेंस बनाइए. ट्राई मेकिंग सेंटेंसेस ऑन ऑल दीज वर्ड्स योरसेल्फ. Alright. अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे वर्ड्स लेके आऊं, then please tell me in the comment section below. Till then, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then please share and subscribe to this channel. We will be meeting in the next video with some new words and on a new topic. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep practicing.